हेलो दोस्तों, जेरड कैनेनियर जो है उन्होंने बोला है कि हमजत चीमा को अगर टाइटल शॉट चाहिए तो उन्हें टॉप तो फाइटर में से किसी को हराना पड़ेगा, उसके बाद ही उन्हें टाइटल शॉट मिल सकता है। और पूरा मामला क्या है इस वीडियो के जरिए आपको मैं शेयर करूंगा। उससे पहले दोस्तों, आप यूएफसी को पसंद करते हो, सच्चे फैंस हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरा हौसला बढ़ाओ इसी तरह, ताकि मैं आपके लिए और वीडियो और कंटेंट लाते रहो। आपके लिए सारी न्यूज़ आप तक पहुंचते रहे मेरे जरिए, इस चैनल के जरिए दोस्तों। हाँ, जेरार्ड कैनेनियर बोला है कि अगर हमजत चिमाओ जो है वो टाइटल शॉट चाहते हैं तो उन्हें पहले टॉप फाइटर को हराना होगा मिडल वेट में। मिडल वेट में जेरार्ड कैनेनियर एक बड़ा नाम है, सबको पता है। लास्ट फाइट उन्होंने कितना अच्छा लड़ा था, वो भी आप सभी ने देखा था। जेरार्ड कैनेनियर एक बहुत जबरदस्त फाइटर है, उनके पास पावर्स है, हर चीज उनके पास है। हमजत को लड़ना है तो उसके लिए एक जेरार्ड कैनेनियर पे एक बड़ा नाम रहेगा। रॉबर्ट विटेकर भी है, ओलेग कोस्टा भी है, बट जेरार्ड एक दिस इज अ बिग नेम। और वो फाइट अगर हो जाती है हमजत वर्सेस जेरार्ड, तो ये फाइट जीतने के बाद भी हमजत को टाइटल शॉट मिलेगा ऐसा है। और टॉप 5 में से किसी से भी होती है तो भी उन्हें मिलेगा, बट एक फाइट तो एक्चुअली लड़ना चाहिए उन्हें। और मैं खुद चाहता हूँ वो एक फाइट लड़े, उसके बाद जाए। एडिसन हार गए तो उन्हें रीमैच तो मिलेगा, ये श्योर 100% है। तो एक फाइट हमजा को लड़ लेना चाहिए और अपना बेस एकदम मजबूत कर लेना चाहिए, तो टाइटल छोड़ने मिलेगा। तो इस एक्सपीरियंस को भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं अपना वो। बस दोस्तों, यही बात थी जो जेड को ने बोला, बस यही तक पहुंचाना था कि हमजा को अगर टाइटल शॉट चाहिए तो उन्हें टॉप 5 फाइटर में से किसी को हराना पड़ेगा, क्योंकि वो भी लाइन में लगे हुए। और भी दोस्तों, और इससे रिलेटेड, हमजा से रिलेटेड और भी जो न्यूज आएगी मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। अगर हमजा के ट्रू फैंस हो दोस्तों, और यूएफसी के इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और चैनल के जरिए आपको सब न्यूज़ आप तक पहुंचाते रहूंगा। आपका भाई इसी तरह रहेगा, हमेशा रेडी आपके साथ। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।